हेलो एवरीवन, ए वेरी हैप्पी वाला मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर सेफ एंड फाइन। यस, ओके, वेलकम टू आवर एसएस क्लास। नाउ एवरीवन स्टडी फॉर रेडी फॉर एसएस क्लास। ओके, सो ओपन, टेक आउट योर एसएस टेक्स्ट बुक एंड ओपन पेज नंबर 60। यू हैव 2 मिनट्स टाइम। फास्ट टेक आउट योर एसएस टेक्स्ट बुक एंड ओपन पेज नंबर 60। ओके, ओपन किया सबने? चलो नाउ पेज नंबर 60। ओके, सो इन द लास्ट 3 क्लासेस वी आर डिस्कसिंग अबाउट आवर रिलीजियस फेस्टिवल, है ना। जो लास्ट 3 क्लास में हमने क्या डिस्कस किया अबाउट द रिलीजियस फेस्टिवल, लाइक दिवाली, देन होली, दशहरा, दुर्गा पूजा, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, दिज ऑल आर द रिलीजियस फेस्टिवल। और रिलीजियस फेस्टिवल क्या होता है, क्या बताया था मैंने कि जो इंडिया है, हमारा कंट्री है, इसमें बहुत सारे स्टेट्स होता है और सारे स्टेट्स में जो पीपल होते हैं उनका सब कुछ डिफरेंट होता है, उनका ड्रेसिंग पैटर्न, उनका कल्चर, उनका फेस्टिवल, सब कुछ डिफरेंट होता है। सो दे जो अलग अलग रिलीजन के पीपल होते हैं, जो फेस्टिवल वो लोग साथ में मिलकर सेलिब्रेट करते हैं उसे रिलीजियस फेस्टिवल कहा जाता है। ओके, और क्या लर्न किया था कि एवरी फेस्टिवल के पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी होता है कि व्हाई वी सेलिब्रेटेड दिस फेस्टिवल। किसी का बर्थडे को याद करने के लिए, किसी का जैसे गुड के ऊपर, सॉरी बेड के ऊपर गुड का विन होने के हिसाब से सबका अलग अलग इम्पोर्टेंस होता है। ओके, लाइक दुर्गा पूजा, जैसे हर एक फेस्टिवल का, हर एक स्टेट का एक एक फेमस फेस्टिवल होता है। जैसे वेस्ट बंगाल का फेमस फेस्टिवल क्या है? दुर्गा पूजा, वेस्ट बंगाल का। नवरात्रि किसका है? गुजरात का, है ना। सो जैसे गणेश चतुर्थी है, वो जो साउदर्न स्टेट है उनका फेमस फेस्टिवल होता है गणेश चतुर्थी। ओके, सो हर एवरी स्टेट का अलग अपना अपना डिफरेंट फेस्टिवल होता है, वो लोग अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, नेबर्स के साथ सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय करते हैं। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेशनल फेस्टिवल, नेशनल डे। चैप्टर की स्टार्ट में भी मैंने आपको बताया था कि वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट 2 टाइप्स ऑफ फेस्टिवल, वन इज रिलीजियस फेस्टिवल, सेकेंड वन इज नेशनल फेस्टिवल। ओके, तो रिलीजियस फेस्टिवल में हमने लर्न किया दिवाली, देन दुर्गा पूजा, दशहरा, ईद, गुरुपुरब, क्रिसमस एंड होली। 7 to 8 फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल के बारे में हमने लर्न किया। ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर नेशनल फेस्टिवल। व्हाट इज नेशनल फेस्टिवल? मैंने आपको बताया था एक्टिविटी जब हम कर रहे थे फर्स्ट इस चैप्टर की फर्स्ट क्लास में, जो एक्टिविटी मैंने कराया था उसमें मैंने आपको बताया था व्हाट इज नेशनल। जब आपको कोई पूछता है नेशनल फेस्टिवल तो आपको क्या क्या लगता है, व्हाट इज नेशनल फेस्टिवल? व्हाट इज नेशनल फेस्टिवल? नेशनल डेज, व्हाट आर दी? नेशनल फेस्टिवल्स आर द फेस्टिवल विच इज डेडिकेटेड टू आवर कंट्री, है ना। जैसे रिलीजियस फेस्टिवल में क्या होता है कि सब अपने अपने, हर एक स्टेट में जो पीपल होते सब अपने अपने रिलीजियस रिलीजन को दिखाने के लिए अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। ओके, बट नेशनल फेस्टिवल क्या होता है? नेशनल फेस्टिवल डेडिकेटेड टू आवर कंट्री। ये फेस्टिवल में आप चाहे कोई भी स्टेट का हो, कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी कास्ट का हो, आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम, क्रिश्चियन हो, आप चाहे गुजरात के हो, राजस्थान की हो, वेस्ट बंगाल की हो, उड़ीसा के हो, महाराष्ट्र के हो, कोई भी स्टेट का हो, आप चाहे कितने भी रिच हो, आप चाहे कितने भी पुअर हो, आप चाहे गर्ल हो, चाहे बॉय हो, कोई भी हो, नेशनल फेस्टिवल सब साथ में मिलके मनाते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता है कि चलो ये गुरु पर्व है तो सिर्फ सिख पीपल ही मनाएंगे, ये ईद है तो सिर्फ मुस्लिम लोग ही सेलिब्रेट करेंगे, ये होली है तो खाली जो जो स्टेट का जो पीपल, नवरात्रि है तो गुजरात के पीपल ही मनाएंगे। नो, जो नेशनल फेस्टिवल होता है, जो नेशनल डे है, ये हमारे जो कंट्री को डेडिकेट किया जाता है,
ओके, हम उस दिन को याद करते हैं कि हम कैसे आजाद हुए, जो पहले ब्रिटिश रूलर थे तो उन्होंने हमको क्या किया था, हमें उनके अधीन में हम रहते थे, वो हमें टॉर्चर करते थे, उनका कहना हमें मानना पड़ता था, हम खुद से कुछ नहीं करते थे, वो जो कहते थे हमको वही करना पड़ता था। तो वो जो दिन था, जिस दिन से हमें आज़ादी मिली, इंडिपेंडेंस मिली, हम अपने काम खुद से कर रहे हैं, अपने सोच खुद से सोच रहे थे, उस सारे दिन को याद करने के लिए, या फिर वो किसी का जो हमारे लीडर्स है, जो जिनके वजह से हम आज आज़ाद हुए हैं, उनका बर्थडे होता है, वो सारे दिन हमारे कंट्री को डेडिकेट किया जाता है। ओके, सो उसको याद करने के लिए जो दिन हम सेलिब्रेट करते हैं वो होता है नेशनल डेज और नेशनल फेस्टिवल्स। ओके, कंट्री को डेडिकेट करके हम सब सारे स्टेट के लोग एक साथ, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन कोई भी कास्ट का, सब एक साथ जो मनाते हैं वो होता है नेशनल फेस्टिवल। ओके, और ये जो नेशनल फेस्टिवल होता है वो पब्लिक हॉलीडे होता है। ओके, जैसे हमारा कोई भी नवरात्रि है, या फिर दिवाली है, दुर्गा पूजा है, दशहरा है, होली है, उसमें क्या होता है, ओनली जो स्कूल कॉलेजेस वो सभी छुट्टी रहता है, उसको ही हॉलीडे होता है ना। बट ये जो नेशनल फेस्टिवल है उस दिन सबको छुट्टी होता है, कोई भी बैंक, जो भी बैंक में जॉब करते हो, जो भी शॉप में, जो भी गवर्नमेंट जॉब, जितना भी ऑफिसेस है, गवर्नमेंट ऑफिसेस है, स्कूल कॉलेजेस है, बैंक है, बस सब बंद रहता है, वो पब्लिक हॉलीडे, सबको उस दिन छुट्टी होता है, सबको, सबके लिए हॉलीडे होता है। ओके, चलो तो वो नेशनल डे आज हम डिस्कस करें। फर्स्ट इज नेशनल डेज। ओके, चलो सबसे पहले हम हार्डवर्ड डिस्कशन करेंगे, उसके बाद चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो हियर इज द हार्डवर्ड्स ऑफ द चैप्टर। ओके, तो जहां से आपने 3 डे का लिखा था वहीं से कंटिन्यू करना है, 1 लाइन स्किप करके। ओके, 1 लाइन स्किप करके वहीं से कंटिन्यू करना है। ओके, आई होप आप सबने 3 डे में हमने जितना भी हार्डवर्क यहाँ पे से लिखाया है वह सब आपने लिख लिया होगा। ओके, अगर नहीं लिखोगे तो आपके लिए बहुत डिफिकल्टी होगा। देखो यहाँ पे 41 हार्डवर्क है, अगर आप एक साथ लिखोगे तो कितना सारा आपका हो जाएगा, है ना। ओके, सो फर्स्ट वन इज नेशनल डेज, जो हमारे देश के लिए हम जो डे सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल फेस्टिवल, दीज आर कॉल्ड नेशनल डेज। रिपब्लिक डे, दिस इज वन ऑफ द नेशनल फेस्टिवल। अभी हम 3 नेशनल फेस्टिवल के बारे में लर्न करेंगे, लाइक रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती। ओके, देन परेड। परेड का मतलब आप सबने परेड देखा होगा ना, यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे पुलिस लाइन चौक है वहाँ पे एवरी जो भी नेशनल फेस्टिवल होते हैं उस टाइम पे जो पुलिसमैन है होते हैं, या फिर जो आर्मी के पीपल होते हैं, यहाँ पे परेड करते हैं, देखा होगा आप सबने, है ना। तो वो एक जो नेशनल फेस्टिवल है उस दिन एक प्रोसेशन निकलता है, वहाँ पे सबको चांस नहीं मिलता है, जो भी देश के लिए जो काम करते हैं, लाइक पुलिसमैन है, आर्मी है, उन सबको चांस दिया जाता है, वहाँ पे जो प्रोसेशन निकलता है ना वहाँ पे उनको चांस दिया जाता है, कोई भी हम आप किसी को वैसे चांस नहीं मिलता। ओके, देन राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इट मीन्स प्रेसिडेंट, जो हमारे प्रेसिडेंट है उनको हिंदी में क्या कहा जाता है, राष्ट्रपति। ओके, नाउ ओके, सो राष्ट्रपति मीन्स प्रेसिडेंट। नाउ यू टेल मी हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी इंडिया का जो करंट प्रेसिडेंट है कौन है, पता है आप सबको, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रामनाथ कोविंद, है ना, कौन है, रामनाथ कोविंद। ये सब आपको जानना पड़ेगा, हमारे हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देन हु इज द, आप यहाँ पे गुजरात में रहते हो तो गुजरात का सीएम कौन है, इट मीन्स चीफ मिनिस्टर, ये सब आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि अभी जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा आपको ये सब करंट अफेयर्स में भी आएगा, तो आप न्यूज अगर देखते हो तो आपको ये सब हमारे कंट्री के बारे में धीरे थोड़ा थोड़ा आपको अभी से जानना पड़ेगा। ओके, सो हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रामनाथ कोविंद। ओके, देन कंटिंजेंट्स। कंटिंजेंट्स का क्या मीनिंग होता है,
फाउंटेन जेम्स का मीनिंग होता है, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि जो कोरेड होता है वहाँ पे इसको चांस दिया जाता है, जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, जो आर्मी के पीपल होते हैं। तो ये जो जब हम नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं ना, तो ऐसे बहुत, ये भी हम चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे, ऐसे बहुत सारे कुछ उनका कैटेगरी होता है जिनको वो लोग चांस देते हैं अपना जो टैलेंट दिखाने के लिए, कंट्री को जो भी डेडिकेट करेंगे वो होता है। ओके, देन फोक डांसर्स। फोक डांसर का क्या मतलब होता है? फोक डांसर इट मीन्स फोक डांस का, पहले डांसर का मतलब तो आपको पता ही होगा, फोक डांस। फोक डांस मीन्स क्या होता है? एक डांस फॉर्म है जो कि जेनरेशन बाय जेनरेशन चले आ रहे हैं। इसका मतलब अगर हम जैसे सपोज मैं अगर आपको मैं हर बार गरबा का या फिर नवरात्रि का एग्जांपल इसीलिए देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आए, है ना। अगर मैं हमारे स्टेट की एग्जांपल दूंगी या फिर दूसरे कोई स्टेट का एग्जांपल दूंगी तो आपको इतना नहीं समझ में आएगा, है ना थोड़ा। तो जैसे सपोज देखो, जो गरबा है वो आपके दादा, जब आपके दादा दादी जब आपके एज में थे वो भी करते थे, अभी आपके पापा भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, फिर अगर आपका कोई, आप भी कर रहे हो, फिर आपके जो अगर कोई बड़े ब्रदर एंड सिस्टर है वो भी कर रहे हैं, मतलब सब कर रहे हैं, मतलब आपके दादा से लेकर आप तक सबको गरबा आता है, सब गरबा कर रहे हैं। तो ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता जा रहा है। अगर हम कोई भी अगर गरबा की बात करता है तो लोगों को दिमाग में फटाफट गुजरात के ही नाम आता है, क्योंकि सबको पता है कि जो नवरात्रि और गरबा है वो गुजरात का ही फोक डांस है। फोक डांस मीन एक डांस है जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है। पहले आप दादा करते थे, फिर आपके पापा, फिर आपके ब्रदर एंड सिस्टर, फिर आप, है ना। तो ये जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफर होता है। तो जब फोक डांसर मतलब होता है हर एक स्टेट का एक फोक डांस होता है, गुजरात का जैसे गरबा है ना, तो वो जो डांस करते ना, ऐसे बॉलीवुड डांस नहीं, कोई भी मूवी के गाना चला के डांस किया वो नहीं, गरबा का वो जो फोक डांस होता है वो हर एक स्टेट का एक अपना कल्चर होता है, अपना एक रिलीजन होता है जो जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफर होता जाता है। ओके, वो होता है फोक डांसर, और वो जो डांस करते हैं वो होते हैं फोक डांसर्स। ओके, देन टेबल एक्स। टेबल एक्स का क्या मीनिंग होता है? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हर एक स्टेट का एक अपनी एक क्या होता है, एक आइडेंटिफिकेशन होता है। अगर आप चोनिया चोली या फिर जो गरबा करते समय जो बॉयज जो पहनते हैं, अगर किसी को भी आप दिखाओगे तो वो तुरंत समझ जाएंगे कि ये दिस इज ए ड्रेस ऑफ गुजरात। अगर आप चोनिया चोली दिखाओगे, चनिया चोली हर एक स्टेट में, बट आजकल तो चनिया चोली पहनने का फैशन हो गया है तो हर एक स्टेट में मिलता है, बट गुजरात का जो चनिया चोली होता है उसमें कुछ वर्क होता है, जैसे मिरर वर्क होता है या फिर वो जो कोड़ी आता है उसका जो वर्क होता है तो वो अलग डिफरेंट होता है। ओके, तो अगर आप चनिया चोली किसी को भी दिखाओगे तो वो समझ जाएंगे कि ये गुजरात का ही है। वैसे जो राजस्थान लोग होते हैं उनके भी ड्रेस पैटर्न अलग, आपने टीवी में देखा होगा, है ना। वैसे जैसे हमारे, जैसे दुर्गा पूजा अगर आप बोलोगे तो सबके दिमाग में सबसे पहले आएगा वेस्ट बंगाल, बंगाली पीपल, और वेस्ट बंगाल में ज्यादातर बंगाली पीपल ही रहते हैं। तो अगर आप दुर्गा पूजा की बात करोगे तो सबको पहले ही आएगा ये वेस्ट बंगाल का। जैसे ओडिशा की अगर हम बात करेंगे, जो वहाँ पे टेम्पल है जगन्नाथ टेम्पल है वो दूसरे कहीं पे नहीं है। तो अगर आप रथ यात्रा की बात करोगे, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे आपका नवरात्रि फेमस है, वैसे ओडिशा में क्या कौन सा फेस्टिवल फेमस है? रथ यात्रा। तो अगर आप रथ यात्रा की बात करोगे, लॉर्ड जगन्नाथ की बात करोगे तो सबको पहले आएगा कि ये ओडिशा का है। तो ऐसे हर एक स्टेट का अपना अपना वो एक आइडेंटिफिकेशन होता है, उसका एक चीज दिखाओगे तो सबको समझ में आ जाता है कि ये इस स्टेट को बिलोंग करता है, इस स्टेट को इसी स्टेट का ही होगा। तो वो जो होता है ना, वो टेबल एक्स होता है कि एक स्टेट को वो रिप्रेजेंट करता है, एक स्टेट को वो रिप्रेजेंट करता है सबके सामने। ओके, ये होता है टेबल एक्स। देन इंडिपेंडेंस डे, दिस इज ऑल्सो ए नेशनल फेस्टिवल। देन प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर मतलब जैसे चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ना, सबको पता होगा ना, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, देन नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग, हमारा जो नेशनल फ्लैग का नाम क्या है? त्रिरंगा, ट्राई कलर, है ना, त्रिरंगा हमारा नेशनल फ्लैग।
जो कभी भी कोई भी हमारा जो भी नेशनल फेस्टिवल है हम उसको फ्लैग हस्टिंग करते हैं नेशनल फ्लैग का हमारा। देन गांधी जयंती, ये भी गांधी जयंती क्या है, महात्मा गांधी इज अ फादर ऑफ आवर नेशन, उनके इनके वजह से ही आज जो हम इतना फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं ना इनके वजह से। ओके, ही वॉज द लीडर, है ना। गांधी जयंती क्या है, ये एक नेशनल फेस्टिवल है, ये महात्मा गांधी का बर्थडे के दिन गांधी जयंती जो है एक नेशनल फेस्टिवल की तौर पे मनाया जाता है पूरा ऑल ओवर द कंट्री में। ओके, तो ये था हमारा हार्ड वर्ड्स। ओके, नाउ एक्सप्लेन द चैप्टर। नेशनल डेज, सबसे पहले रिपब्लिक डे, वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर। कब हम सेलिब्रेट करते हैं उसका डेट फिक्स ही होता है। ओके, तो वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर 26 जनवरी को ही हम रिपब्लिक डे के हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं। ए बिग परेड पासेस फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू रेड फोर्ट, जैसे मैंने आपकी बताया उस दिन क्या होता है, एक बहुत बड़ा परेड मतलब प्रोसेशन होता है जहाँ पे किन किनों को चांस दिया जाता है अभी हम यहाँ पे लर्न करेंगे। तो कहाँ से निकलता है, कहाँ से कहाँ तक जाता है वो परेड, राष्ट्रपति भवन टू द रेड फोर्ट। राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति भवन मतलब जहाँ पे प्रेसिडेंट रहते हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट है वो जहाँ पे रहते हैं ना उसको क्या कहा जाता है, राष्ट्रपति भवन। तो वहां से कहाँ तक जाता है ये परेड, रेड फोर्ट जो लाल किला, यहाँ पे देखो रेड फोर्ट का पिक्चर दिया गया है। तो राष्ट्रपति भवन से लेके रेड फोर्ट तक ये प्रोसेशन निकलता है परेड। द परेड कंप्रिसेस कंटिजेंट्स ऑफ डिफेंस फोर्सेस हो द परेड कंप्रिसेस कंटिजेंट्स ऑफ डिफेंस फोर्सेस फोक डांसर मार्च पास्ट बाय स्कूल चिल्ड्रन एंड टेबुलेक्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट। ओके, तो क्या होता है इसमें, द परेड कंप्रिसेस किस किस को चांस दिया जाता है, कंप्रिसेस मतलब मेड अप ऑफ मतलब किस किस से बनता है, किस किस को वहाँ पे चांस दिया जाता है, कॉन्टिजेंट्स दिखाने के लिए जो अपना अपने स्टेट को प्रेजेंट करने के लिए किसको चांस देता है, डिफेंस फोर्सेस पहले जो डिफेंस में काम करते हैं जो आर्मी पर्सन होते हैं सोल्जर्स होते हैं हमारे जो। ओके, तो उनको चांस दिया जाता है। देन फोक डांसर, फोक डांसर अभी मैंने आपको बताया कि जो एक डांस फॉर्म है जो जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफर होता जाता है, बॉलीवुड के मूवी वाले नहीं, वो जो एक डांस है जो आपकी दादा से लेके आप तक अभी तक चल रहा है वो डांस वो। देन मार्च पास्ट बाय स्कूल चिल्ड्रन, स्कूल चिल्ड्रन को भी कुछ सिलेक्टेड स्कूल चिल्ड्रन को भी चांस दिया जाता है मार्च पास्ट करने के लिए। एंड टेबुलेक्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट, टेबुलेक्स अभी मैंने आपको बताया कि एक कोई भी एक थिंग जो आपकी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ पे अगर आप हम रथ यात्रा बोलेंगे तो सबको ये समझ में आएगा कि ये दिस बिलोंग टू ओडिशा स्टेट। अगर हम दुर्गा की मूर्ति को रिप्रेजेंट करेंगे ये दिस बिलोंग टू द वेस्ट बंगाल। ओके, तो ये सब अपने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे। ओके, टेबुलेक्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट, यस डिफरेंट सब अलग अलग स्टेट अपना अपने जो भी थिंग्स को जो मेन थिंग्स होता है रिप्रेजेंट करते हैं ताकि सबको, देखो सबको तो हर एक स्टेट के बारे में नहीं पता होता है, और ये जो रिपब्लिक डे है या फिर इंडिपेंडेंस डे है इसमें जो परेड होता है ना वहाँ पे टीवी में भी दिखाया जाता है, तो अगर टीवी में आप देखोगे तो हर किसी को हर स्टेट के सबने हर एक स्टेट घुमा नहीं होगा, है ना। तो टीवी में जब वो लोग अपने अपने स्टेट को प्रेजेंट करते हैं तो पता चलता है कि हाँ ये स्टेट का ये फेमस चीज है, ये स्टेट का ये है, ये स्टेट का ये है, तो टीवी में देख के हमें पता चलता है। ओके, उस दिन जो वो लोग प्रेजेंट करते हैं ना सब परेड में जो प्रोसेसर निकलता है वो सब अपने अपने स्टेट को प्रेजेंट करते हैं कि हमारे स्टेट का ये फेमस थिंग है, हमारे स्टेट का ये फेमस थिंग है, तो सबको पता चलता है। ओके, देन इंडिपेंडेंस डे, नेक्स्ट वन इज इंडिपेंडेंस डे, वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th अगस्त एवरी ईयर। रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 26 जनवरी, एंड इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 15th अगस्त। ओके, एवरी ईयर इनका डेट फिक्स ही होता है। ओके, आवर प्राइम मिनिस्टर अनफोल्ड्स द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट।
अर्न फॉल्स मतलब फ्लैग होस्टिंग करते हैं। ओके, तो क्या होता है, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिसेंट करेंटली, नरेंद्र मोदी है ना, वो क्या करते हैं रेड फोर्ट में, यहाँ पे हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसको होस्टिंग करते हैं। और क्यों हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं कि उसी दिन हमें, आज जो हम फ्रीडम भरी, जो फ्रीडम की लाइफ जी रहे ना, इतना अच्छे लाइफ हम, अपने कुछ भी आप चाहो अपने मन से करते हो, हम किसी का मतलब जो भी सोचते हैं खुद से सोचते, जो भी करते हैं खुद से करते हैं, कोई हमें टॉर्चर नहीं करता, सब अपने हिसाब से काम करते हैं। तो ये सब जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे लाइक महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बहुत सारे बक्सी जगबंधु, ये सब बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उनकी वजह से मिला है। तो ये उसी दिन, ये 15th अगस्त 1947 कौन सा ईयर था, 1947 15 अगस्त के दिन उन्होंने जो ब्रिटिश थे उनको ऐसा मजबूर कर दिया कि वो लोग यहाँ से सारे इंडिया छोड़ के भाग गए अपने देश। ओके, तो उसी दिन को याद करने के लिए हम इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर कब मनाते हैं, 15 अगस्त को। ओके, नाउ टर्न योर पेज, पेज नंबर 61। नेक्स्ट वन इज गांधी जयंती। ओके, लास्ट सैटरडे हमने गांधी जयंती सेलिब्रेशन किया है ना, कि छुट्टी था ना, वो तो पब्लिक हॉलीडे होता है इसलिए सबको छुट्टी होता है, हॉलीडे होता है। लास्ट सैटरडे को था ना 2nd अक्टूबर, अभी अक्टूबर की मंथ चल रहा है, तो सेकेंड लास्ट जो सैटरडे था 2nd अक्टूबर था, तो उस दिन आपको छुट्टी था है ना, तो वो गांधी जयंती था इसलिए छुट्टी था, पब्लिक हॉलीडे। वी सेलिब्रेट गांधी जयंती ऑन 2nd अक्टूबर, इसका भी डेट फिक्स होता है, क्योंकि सबका जो बर्थडे होता है, बर्थडे तो डेट फिक्स ही होता है ना, आपका बर्थडे का डेट थोड़ी चेंज होता है एवरी ईयर। अगर आपका बर्थडे 1st जनवरी है, तो एवरी ईयर आपका 1st जनवरी में ही आप सेलिब्रेट करते हो ना, ना कि 2nd, 3rd, 4th जनवरी, तो सबका से मतलब फिक्स होता है बर्थडे। तो ये जो है गांधी जयंती, ये जो हमारे मेन लीडर थे, फ्रीडम फाइटर थे, उनका बर्थडे का डेट है 2nd अक्टूबर, तो उनका बर्थडे को हम एक वन ऑफ द नेशनल फेस्टिवल के हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर 2nd अक्टूबर। ओके, इट इज द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी, इज ऑल्सो नोन एज अवर फादर ऑफ आवर नेशन। हु इज द फादर ऑफ आवर नेशन, महात्मा गांधी, इज ऑल्सो नोन एज राष्ट्रपिता, जिसको कहते हैं ना फादर ऑफ आवर नेशन, हमारे नेशन के फादर है। तो उनका जो बर्थडे था कब था, 2nd अक्टूबर, तो उनका बर्थडे को हम एक नेशनल फेस्टिवल के हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर 2nd अक्टूबर को। ओके, सो दीज थ्री आर द नेशनल फेस्टिवल लाइक इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। ओके, अंडरस्टैंड एवरीवन? सो आई होप आज हमने ये थ्री नेशनल फेस्टिवल के बारे में डिस्कस किया। पहले तो डिस्कस किया हमने व्हाट इज नेशनल फेस्टिवल, फिर ये सारे रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती, इस सब के बारे में हमने क्या किया, डिस्कस किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड में समझाया, होप सबको समझ में आया होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में ये हमारा इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसका जो एक्सरसाइज है टेक्स्ट बुक में वो करेंगे, उसके बाद वर्कशीट में। ओके, सो आज का क्लास हम यहीं पे फिनिश करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे। फेस्टिवल्स, लेट अस लर्न अबाउट नेशनल फेस्टिवल्स, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती। In this lesson, we know about some national festivals. National festivals are the festivals that are celebrated by the entire nation. There are three national festivals in India: Independence Day, Republic Day, Gandhi Jayanti. Children, do you know how we celebrate an Independence Day and why? Independence Day is celebrated on August 15 every year. Our country became free from the British rule on this day in the year 1947.
The main function of the Independence Day is held at the Red Fort in Delhi. The Prime Minister of our country hoists the national flag there. He or she addresses the nation after flag hoisting. We pay homage to all our freedom fighters. Functions are also held all over the country. Now, I tell you about the importance of a Republic Day. Republic Day is celebrated on January 26th every year. The Indian Constitution came into force on this day in the year 1950. Every year on the Republic Day, the President of India hoists the national flag at the Rajpath in New Delhi. The main function of the Republic Day is held between the India Gate and the Vijay Chowk in New Delhi. A big and colorful parade is taken out in which the police, the armed forces, school children, and folk dancers take part. The President of India takes the salute at the parade. A direct telecast of the Independence Day and the Republic Day ceremonies is done. The entire nation watches the telecast with the feeling of patriotism. Now I will tell you about Gandhi Jayanti. Gandhi Jayanti is celebrated on October 2nd to mark the birthday of Mahatma Gandhi. Gandhiji was born on this day in the year 1869. Gandhiji led the people of India to get freedom. This is why he is called the father of the nation. A special prayer meeting is held in New Delhi at the Rajghat, the Samadhi of Mahatma Gandhi. The Prime Minister, ministers and other special guests along with the common public take part in this function.